शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय तीन, शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय तीन। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा, लेटा रहा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा, लेट रहा। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा, लेट रहा, और यदि वह तुझसे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकार कर कहा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबलि से कभी होगा और न अन्नबलि से। और शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया।